दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक बेहतरीन एवं महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी रविचंद्रन अश्विन को देने के लिए भड़क उठे हैं विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। अपने बड़े बयान में रविचंद्रन अश्विन के बारे में जो कुछ कह दिया है सुनकर आप भी उनके बयान से सहमत होंगे, साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसे में आखिरकार उन्होंने अपने पूरे बड़े बयान में क्या कुछ कहा है रविचंद्रन अश्विन को भारतीय टीम का कप्तान बनाने के लिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले आप हमको बताइए कि भारतीय टीम में अनुभव के अनुसार रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा में से आप किसको कप्तान रहने देना चाहेंगे, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे हम आपके लिए लगातार स्पोर्ट अपडेट्स लाते रहें। दोस्तों आपको बता दें वैसे तो भारतीय टीम अभी 12 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में वेस्ट इंडीज दौरे पर जा रही है, जहां पर पहले तो 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलेगी, फिर 3 मैचों की वनडे श्रृंखला, उसके बाद 5 मैचों की टी20 श्रृंखला। उसके बाद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ भी टी20 सीरीज खेलने वाली है, मगर सितंबर के महीने में एशियन गेम्स शुरू हो रहे हैं और इस बार ऐसा होने जा रहा है कि 23 सितंबर से एशियन गेम्स के आगाज के साथ ही भारतीय महिला टीम के अलावा इस साल पुरुष टीम भी क्रिकेट के लिए चीन के हांगजू जा सकती है। बीसीसीआई ने यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, मगर अभी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी इस साल एशियन गेम्स के लिए जा सकती है। और जैसे ही वह खबरें सूत्रों से आई है भारतीय क्रिकेट जगत में जैसे भौकाल आ गया हो। सभी क्रिकेटर्स अपने अपने बयान दे रहे हैं, उसी में दिनेश कार्तिक ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया की कप्तानी रविचंद्रन अश्विन को देने के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। आपको बता दें एशियन गेम्स के लिए कप्तान बनाने को लेकर दिनेश कार्तिक को लगता है कि अगर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन वनडे सेटअप का हिस्सा नहीं है तो बीसीसीआई बी टीम भेजने के लिए फैसला कर सकती है। तो वैसे में बी टीम के लिए चीन में होने वाले एशियाई गेम 2023 के लिए अश्विन को नेतृत्व मिलना चाहिए, यानी कि उनका कहना है कि टीम ए जो कि इंटरनेशनल मैच खेल रही है वनडे विश्व कप 2023 की तैयारियों में लगी है। भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा, टी20 कप्तान हार्दिक पांड्या है, वहीं पर उप कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव को आजमाया जा रहा है। वहीं पर टीम बी जो कि चीन जा सकती है तो उसके लिए भारतीय टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन को मिलना चाहिए, इस बात को तवज्जो देते हुए दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा है कि अश्विन यकीनन अपनी गेंदबाजी की गुणवत्ता और अपने द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या के मामले में अब तक खेले गए सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे वास्तव में लगता है कि अगर भारत एक बी टीम भेज रहा है तो मुख्य टीम विश्व कप की तैयारियां कर रही होगी, अगर वह वनडे सेटअप का हिस्सा नहीं है तो उन्हें कप्तान बनाया जाना चाहिए। अश्विन के समर्थन में आगे दिनेश कार्तिक कहते हैं कि मुझे सच मुझे लगता है कि वह इसका हकदार है, उसने टीम का कप्तान बनने का अधिकार हासिल कर लिया है। मैं चाहता हूं कि कम से कम एशियाई खेलों के लिए अश्विन को कप्तान बनाए, यह उनके लिए एक बेहद बड़ी उपलब्धि होगी। मैं मानता हूं कि रविचंद्रन अश्विन के साथ शुरू से अच्छा नहीं हुआ है, रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके की सीनियरिटी में क्रिकेट खेला है भारतीय टीम के लिए जितना उसने सहयोग प्रदान किया है अंत में उसके साथ उतना बेहतरीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वनडे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर करना कहीं ना कहीं उनका अपमान करने जैसा था, जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज था, उसको बाहर किया जाना कहीं ना कहीं शर्मनाक फैसला था। वहीं नहीं इसके बाद उनको टीमों में रखा नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है बी टीम का कप्तान बनाकर बीसीसीआई उन पर एक एहसान नहीं करेगी बल्कि उनकी महानता को एक सम्मान दे सकती है और रविचंद्रन अश्विन को कप्तान बनाया जाना चाहिए। रोहित कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे सभी खिलाड़ी तो अपने सभी जगह उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और उनको मौके मिल रहे हैं, तो अश्विन जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए। दोस्तों दिनेश कार्तिक का यह बयान कहीं ना कहीं दिल छू लेने वाला है और कहीं ना कहीं अगर आप इस बयान को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि रविचंद्रन अश्विन को सच में यह महानता के लिए एक उपलब्धि दी जानी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं एशियन गेम्स के लिए बी टीम का कप्तान रविचंद्रन अश्विन को बनाया जाना चाहिए? यदि हाँ तो प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।